हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। माई सेल्फ एकता, एट प्रेजेंट मैं CGHS में वर्किंग हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना लाइक किया, इतना व्यूज़ भी आया। मैंने उसमें कमेंट्स पढ़ा तो बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहे थे, टाइपिंग के बारे में जानना चाह रहे थे। तो आज मैं आप लोगों से अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि SSC का जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता भी होगा कि 4 सेक्शंस होते हैं मेनली, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड GS। तो आज मैं वन बाय वन सारे सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे प्रिपरेशन करें, जो कि आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। सबसे पहले GS की बात कर ले तो GS काफ़ी वास्ट है, उसका सिलेबस। इट इंक्लूड हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड प्लस उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स का। तो उसके लिए मैंने ल्यूसेंट पढ़ा था, ल्यूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ा था अपना बेसिक क्लियर करने के लिए। एंड देयर आफ्टर फिर आप प्रीवियस ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आता है SSC का, कोई भी पब्लिकेशन का आप ले लो और उससे फिर प्रैक्टिस करो। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी तैयारी में। और अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको 35 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। और करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर एग्ज़ाम से 6 मंथ्स पहले का जो करंट अफेयर होता है, या मेनली बोला जाए जो 3 मंथ्स पहले का जो करंट अफेयर होता है, वो आप किसी भी मैगज़ीन या कोई भी ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे करंट अफेयर डालते हैं टीचर्स, आप वहाँ से कर ले तो और आपका जो मार्क्स है वो 35 to 40 के बीच में आपका आ जाएगा, जो कि एक अच्छा मार्क्स माना जाता है GS GK में। अब रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग की तैयारी मैंने अजय चौहान की बुक बनाई थी, जो कि अच्छी बुक है, आप लोग भी बना सकते हो। और रीजनिंग SSC में कोई ऐसा तोप वाला नहीं पूछता है। SSC का रीजनिंग का जो एक लेवल है सही है, एवरेज रीजनिंग पूछता है। तो अगर आप कोई एक बुक बना लो लाइक अजय चौहान भी आप बना सकते हो, और प्रीवियस ईयर का मेनली जो प्रीवियस ईयर्स के जो सेट है अगर आप वो लगाते हो, अगर आप डेली सेट लगा रहे हो और 15-20 सेट लगा लिया आपने, तो रीजनिंग का आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रीजनिंग में आपको कोई वैसा डाउट नहीं होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तीसरी बात करूँ मैथमेटिक्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है SSC के एग्ज़ामिनेशन में। सब मैथ्स के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, इसमें 2 सेक्शन हैं, अर्थमेटिक एंड एडवांस। अर्थमेटिक पहले अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर अब एडवांस का भी वेटेज देखा जाए तो अर्थमेटिक से कहीं इक्वल या उससे थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया गया है। तो अब आपको एडवांस भी पढ़ना कंपलसरी है। मैंने महेश मिश्रा की बुक बनाई थी जब मैं तैयारी कर रही थी, बुक काफ़ी अच्छा है, और मैंने वही बुक 3-4 बारी बनाया था और साथ ही मैं डेली सेट प्रैक्टिस कर रही थी, तो ऐसे मैथ्स मेरा कवर हो गया। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी, कोई भी एक बुक जो अच्छी हो मार्केट में, आप लोग को जो सही लग रहा हो, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, वो बुक आप 10 बुक बनाने से अच्छा है कि वही बुक आप 2 से 3 बारी बनाओ और साथ में सेट प्रैक्टिस करो। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश काफ़ी बच्चों के लिए इंग्लिश बहुत ही टफ रहता है, स्पेशली जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश कोई ऐसा भी तोप नहीं है। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और ग्रामर का आपका कितना पकड़ है, ग्रामर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश ऐसे भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ग्रामर पढ़ने के लिए मैंने 2 बुक का हेल्प लिया था, एक तो प्लिंथ ऑफ पैरामाउंट,
और सेकंड वन इज़ परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इन दोनों बुक से मैंने ग्रामर किया था और आप भी यूज़ कर सकते हो, ये बुक अच्छी बुक है। तो पढ़ने का तरीका ये है कि आप जब कोई चैप्टर पढ़ो, सपोज़ करो नाउन पढ़ो, उससे सपोज़ करो आपने 20 या 25 रूल उसमें दिए हैं, तो उस रूल को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उस रूल से रिलेटेड आप क्वेश्चन कितना कर रहे हो, आप कितना कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और वो रूल तब जाके आपके माइंड में सेट करेगा। क्वेश्चन देखकर ही ये माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ ये कौन से रूल से ये हुआ है, तब जाके वो पढ़ना आपका सक्सेसफुल होगा। आप ग्रामर पढ़ो और वोकैब का भी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वोकैब भी आपका अच्छा होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं, उनका मीनिंग देखो, उनको याद करो। वर्ड मीनिंग का तो स्टॉक होना ही चाहिए आपके पास, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डेली एक सेट लगाना कंपलसरी है, आप सेट लगाइए ही लगाइए जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी ट्यूशन में, कहीं भी कोचिंग में या ग्रुप में ही पढ़ रहे हो, तो एक सेट डेली लगाओ और जो आपका ग्रुप है वहाँ पे जो भी डाउट है आपका उसको ज़रूर क्लियर कीजिए, क्योंकि सेट बनाना इज़ नॉट अ बिग डील। आप उस सेट पे पूरा कमांड करना ये बड़ी बात है, और एक इवन अ सिंगल प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आपका नहीं बचना चाहिए। एक सेट बनाने का मतलब है कि उस सेट पे आपका कमांड हो जाए। अगर आप ऐसे कंटिन्यू वन ईयर अगर आप करते हो मेहनत, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं बस आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी आप लोगों के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और अभी जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस को लेकर एक बहुत ही वो सिचुएशन बना हुआ है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी घर पर रहे, सेफ रहे, अननेसेसरी ना निकले बाहर, और इससे अच्छा तो मौका ही नहीं मिलेगा पढ़ाई के लिए। तो इस चीज़ में, इस मौके का आप पढ़ाई में यूटिलाइज़ करो, ये टाइम पढ़ाई में यूटिलाइज़ करो। ओके, थैंक यू।